सलाम सलाम उसे रोको जाके संभाल कर उसे रोक लेना अरे मार जाओगे आहिल आहिल बेटा आहिल बेटा आहिल 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 अम्मी शलम शलम को कोई बचाओ अम्मी प्लीज अम्मी नहीं आहिल बेटा शलम हम सबको छोड़कर चली गई है ऐसा नहीं हो सकता अम्मी इनके लिए नहीं कोई बात नहीं आहिल शांत हो जाओ आहिल बेटा वो मर चुकी है नहीं शलम मर चुकी है आहिल अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती ना ऐसा नहीं हो सकता सना मुझे छोड़ के नहीं पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मैडम साहिबा सनम जिंदा है बच गई सनम बेगम पापा बच गई मर गया तेरी आंखों के सामने तुम्हारी कार के साथ ऐसा हादसा हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया सनम मुझे लगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी भर के लिए मैंने तुम्हें खो दी कुछ कीजिए सनम बेटा सनम 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 बेटा तुम जानती नहीं हम कितने खुश तुम बच गई अल्लाह का लाख लाख शुक्र तुम बहुत खुश हो अब सनम तुम कार से उठी कब बेटा प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है उसका हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है मैडम प्लीज हमें लिफ्ट दे दीजिए मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैडम प्लीज देखिए बुरे वक्त में एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो कभी भी इस तरह सूनी सड़क पे कोई पड़ा हुआ मिले ना कभी उसकी मदद नहीं करनी चाहिए तुम भी तो मुझे सूनी सड़क पे मिली थी प्लीज मैडम ओके 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 ले आइए अपनी वाइफ थैंक यू मैडम आराम से रिलैक्स जल्दी चलो ड्राइवर चल ए चल चल बाहर निकल 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 अरे मैंने बोला बाहर निकल तो मैंने तुम्हारी मदद की ऊपर से तुम ऐसे कर रहे हो कर रहे हैं ना मदद कर रहे इसलिए कह रहे निकल चल निकल शीशा ठोक दूंगी चल चल निकल निकल वो भी इस फिराक में होते हैं कि मौका लगते पीठ में छुरा खोकते तो सुना जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया उसने अपनी मौत को दावत दी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा उनके साथ मैं ऐसा सलूक करूंगा कि अगली बार सनम को हर्ट करने से पहले उनकी रूहें कांप जाएंगी आए बेटा शांत हो जा हम जानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड हो लेकिन इस वक्त हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
उसने अपनी मेहर सनम पर बनाए रखी, तभी तो देखो ना सनम हम सबके सामने बिल्कुल सही सलामत कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेगम साहिबा, और इस सबसे एक बात तो साबित हो गई कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। जब तक किसी इंसान का दुनिया में आने का मकसद पूरा नहीं हो जाता तो मौत नहीं होती। I really don't care, रम्मी। मैं कुछ नहीं जानता। ये एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि किसने मेरी बीवी को हर्ट करने की कोशिश की। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। आपको, I'm going to call the cops right now. या अल्लाह, अगर आहिल ने पुलिस को बुला लिया तो उन्हें ये पता करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो बॉम्ब हमने रखा था, वो भी किसी गिफ्ट के अंदर। फिर उन्हें हम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या करें? पापा, अगर पुलिस यहाँ आई और किसी ने मुझे पहचान लिया तो मेरे और मुमानी के किए खराए पर पानी फिर जाएगा। क्या किया बचपन से लेकर आज तक? मैं जमीन के लिए तरसी हूं। मैं बोल सकूं लोगों तक अपने दिल की आवाज पहुंचा सकूं, बता सकूं कि मैं क्या महसूस कर रही हूं, नजर में कितने एहसास, कितनी ऐसी बात मेरे अंदर थी लेकिन कभी जुबान पे नहीं आई। लेकिन आज मेरी आवाज वापस आ गई है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे एहसास, मेरी उम्मीदें, मेरी मोहब्बत, समझ नहीं आता कि मैं बात करूं किससे करूं। अरे मैंने दो ठगों को पैसे का लालच देकर सुनहरी को लूटने भेज दिया। उन बेचारों को पता ही नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी लूट है। अरे अफसोस, सुनहरी को बचाने के चक्कर में मेरे दो लोगों को अपनी जान से हाथ होना पड़ा। अब क्या करें, कभी कभी बड़ी बड़ी चालों को खेलने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्यादों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। अगर ये लोग मुझे वापस ले जाने में कामयाब हो गए तो शायद मैं वहां से कभी भी ना निकल पाऊं। वहीं घुट घुट के मैं अपनी जान दे दूंगी और आहिल को पता भी नहीं चलेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? घर आ रहा है, यही मौका है। मुझे घर में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो मुझे इन लोगों से बचा ले। यहां से निकलूं कैसे? अब तो मेरी जिंदगी का सितारा चमकने वाला है। जो है ना, उसके निकाह के बाद तुम्हारा आहिल सुनहरी के साथ निकाह कर लेगा और तुम्हारी तरह कच्चे वाला नहीं, एकदम पक्का पक्का निकाह करेगा। उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने दूंगी। वो मेरी हमशक्ल से निकाह नहीं कर सकते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शाहिद के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।